इतना खुश क्यों तुम्हें देख करके भाई? अरे ये अप्रैल की तरह है। मैं ये कंप्यूटर की सेंटर पहुंचा हूं लालबाग में। किसी भी कंपनी का टोयोटा डस्टर ये देखिए सारा सब लिखा हुआ है। फाइनली चाबी हो चुकी है अपनी कंप्लीट। सो फाइनली इधर योनेक्स के शोरूम पे आए थे बीबीडी एकेडमी में, जो कि मिल जाएंगे सारे वॉइड है। आज मुझे लग रहा है मैं सारे मॉल घूम लूंगा क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सेट ऑन व्हील्स। और ये कोई एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, आज मैं जा रहा हूँ कुछ काम निपटाने। मेरी कार की जो की होती है वो काम नहीं कर रही है, तो वो दिखवाने जा रहा हूँ लालबाग हजरतगंज, जो कि कार मार्केट और बाइक मार्केट है लखनऊ की। वेट या ट्रैफिक से जूझ लूँ पहले। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ लालबाग कार की चाबी सही कराने। लालबाग करोल बाग की तरह मार्केट है, अगर दिल्ली गए होंगे आप तो बाइक और कार का काम वहाँ पे होता है, तो लखनऊ में लालबाग इज लाइक करोल बाग। उसके बाद जाएंगे शू शॉपिंग करने, यही है आज का आइटनरी काइंड ऑफ। अभी मैं जा रहा हूँ अभिषेक के घर उसको लेने, वो भी मेरे साथ जा रहा है, उसकी आज वीक ऑफ है, तो मैंने बोला आज ही निकलते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ लालबाग मार्केट कैसी है, जहाँ चाबी मैं बनवाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। आज सुबह बारिश हुई है तो क्लाउड्स हैं हल्के फुल्के, बिल्कुल क्लियर स्काई तो नहीं दिख रहा। अभी आप लोग बैंगलोर की मोस्टली ट्रैवल सीरीज देख रहे होंगे, साउथ ट्रिप की केरला की, तो वो आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में बताइए। और बीच बीच में अगर आप लोग को लखनऊ के ब्लॉग्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्रैवल से हट के तो मैं वो भी ब्लॉग कर सकता हूँ और लखनऊ आपको घुमा सकता हूँ, डू टेल मी। तो फाइनली सिंह के घर पहुँच गए और वो निकलेगा वहाँ सामने से, उसका मतलब साइड गेट है, अभी घर बन रहा है ऊपर। ये भाई भाई शूज वूज एकदम पहन के आया है, इसको पता है ना ब्लॉग बनना है। ये लोग एक एपिसोड निकल रहा है, फील नहीं आ पा रहा है, अब अगले मंडे को निकलेगा। ओके, तो सिंह को आप लोग ने देखा होगा कौन सी सीरीज में, वाराणसी सीरीज में, उससे पहले भी देखा होगा आई थिंक किसी और सीरीज में, उसमें कतरनी वो वाली में जब हम लोग वहां गए थे एमपी खुजराओ वाली सीरीज में। बाकी चलते हैं, हजरतगंज चल रहे हैं भाई, इतने गड्ढे हो गए यार यहाँ पे, काम वाम कराओ कुछ यहाँ पे यार, बरसात के बाद ही काम होगा। बोटैनिकल गार्डन है राइट साइड में। फाइनली हम लोग हजरतगंज पहुंच गए हैं, अब बातों में भाई टाइम ही नहीं पता चला गंज पहुंच भी गए। ग्रीनरी कितनी है यार, बस यही रोड पहाड़ों में होती। सिंह पहाड़ वाड़ चलो यार भाई, थोड़ा हम गलत आ गए हैं बट चलो कोई नहीं। लेफ्ट में सारा गंज मॉल है, अनकट चल रहा है सब भाई, ये मॉल आए हुए भी करोड़ों साल हो गए हैं, बिल्कुल पिंक पिंक कर दिया लड़कियों के लिए लग रहा है, बना दिया खाली। ये रहा कैथीड्रल चर्च, स्कूल भी है। गलत आ गए भाई, बहुत गलत आ गए हम लोग, लगने लग गए यार सेंट फ्रांसिस कॉलेज। बंद करो, यही सही कराना है जो आपको आवाज आ रही है। फाइनली हजरतगंज पहुंच गए, चले भैया लालबाग मार्केट। वी आर एंटरिंग लालबाग मार्केट, कार मार्केट, बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है कार मार्केट। आज यार भीड़ कम होनी चाहिए, थर्सडे है, लेट्स सी यार जगह मिल जाए, यहाँ कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है। अपने पास जगह मिल गई है। सो ये है लालबाग मार्केट, आगे पूरी है, ये फायर स्टेशन के सामने है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और यहीं पे अंदर चाबी की शॉप है। अरे भैया हिला दिया आपने तो पूरा। ये है कंप्यूटराइज्ड की सेंटर, ये चाबी सही करवा दीजिए। ये मतलब बैटरी मैंने अभी नई लगवाई है, रेड लाइट नहीं आ रही, मैंने खोली थी तब रेड लाइट जल रही है, देखिए कुछ जंग वंग लग गया मुझे लग रहा है इससे सर उस पर। फाइनली मैं ये कंप्यूटर की सेंटर पहुंचा हूं लालबाग में, किसी को बहुत कम लोग को ही पता होगा, ये अंकित भैया की शॉप है। आपको शॉप तो बड़ी नहीं लगेगी बट यहाँ पे चाबियों का सारा काम हो जाएगा, किसी भी कंपनी का है ना भैया, किसी भी कंपनी का टोयोटा डस्टर ये देखिए सारा सब लिखा हुआ है,
तो आप लोग आ सकते हैं। भैया का प्राइसेस भी लालबाग में आई थिंक सबसे अच्छे ही हैं। मेरी चाबी का क्या सीन हुआ है कि मेरी ये पीसीबी ख़राब हो गई है, तो भैया मतलब पूरी एक प्रॉपर नई पीसीबी डाल रहे हैं और एक नई चाबी ही दे रहे हैं, और मुझे क्वालिटी ठीक लग रही है। ये है नई वाली चाबी, मतलब ये तो थोड़ी पुरानी है, ऐसी नई है मेरी। ये 1 ईयर की वारंटी के साथ है। 1 साल की वारंटी है इसमें? इसमें वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, 1 ईयर वारंटी है। ओके, 1 साल की वारंटी है, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए इसमें। यही है प्राइस भैया कैसे रहते हैं? जैसे इसका प्राइस आपने 1500 बताया था ना, 1500 की ये की नई बन रही है मेरी। बाकी आप लोग कभी आइएगा, कोई भी चाबी अभी ख़राब हो तो सारा काम हो जाएगा। अंकित भी आपसे मिलेंगे या मेरा एम्प्लॉई यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। ठीक, फाइनली चाबी हो चुकी है अपनी कम्प्लीट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सही है, ओबीडी मीटर से भैया अपना OBD स्कैनर से अपना तीम जाम करेंगे। भैया टेक्निकल चीज़ है, भैया पे छोड़ दो। और आप लोग सोच रहे थे ना सिंह कहाँ गए थे? सिंह गायब हो गया था, फोन देने गया था सर्विस सेंटर में। तो आईफोन है बड़े लोग, तो वो जरा गया था अपना साफ कराने फ्री में। और हाँ, चाबी चलने लगी है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है यार, और काफ़ी हैवी की है। तो अभी मैं जा रहा हूँ राजू रेडियम फ्लैग लेना, एक मम्मी किसी टीचर ने मंगाया हुआ है। आज कितना खाली है भाई, कोई काम नहीं है आज, आज आना चाहिए कार में काम कराने। सो ये ले लिया है, मम्मी के किसी फ्रेंड को चाहिए था। चर्च दिखाऊँ आपको एक बढ़िया सा, ये तो मंदिर है राइट साइड में, ये देखिए है ना बढ़िया। बताइए आप लोग इसमें जाके आप लोग को बढ़िया सा शूट करके दिखाऊँ, तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। चर्च OP, सोचिए ये हो सकता है सिर्फ इंडिया में ही। राइट साइड मंदिर, लेफ्ट साइड, अरे भाई स्कूटी खोलो, क्या कर रहे हो गया क्लीन? कुछ करते तो है नहीं ये लोग। भाई स्पीकर क्लीन किया है हमने, बोला किया है, दिखाओ। इसको रैप हटाना पड़ेगा। तो रैप बिना हटाए कैसे क्लीन कर दिया? बोला तो रैप हटा देंगे, फिर बाद में फिर से लगा दिया होगा। तो फाइनली हम लोग का काम हो गया, चाबी बन गई, इसका फोन रिपेयर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट में अपना शूज का काम करने। देखता हूँ एसिक्स के लेता हूँ या फिर योनक्स के लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा चिल करेंगे। बहुत सही लग रहा है ये, देख लखनऊ कितना अच्छा सा लग रहा है, साफ सुथरा एकदम, ट्रैफिक की चिंता नहीं। तो हम लोग लिफ्ट छोड़ के स्टेयर से जा रहे हैं। सिंह बोल रहा है थोड़ा हेल्दी लिविंग करो, है ना। ओ तुम्हें शूज दिखाने थे अपने एडिडास के। फाइनली भाई कितना साफ सुथरा लग रहा है इतने दिनों बाद आए। गंदा कैसे हो गया? अबे भाई बड़ा बेकार सा नहीं लग रहा? छोटे छोटे मर खत्म हो गया भाई। देखते हैं एसिक्स कहाँ पे एसिक्स। सो ये रहा एसिक्स का शोरूम, लेट्स सी बैडमिंटन शूज अपने। तो फाइनली हम लोग ये मसाज ले रहे हैं, रेट्स ठीक हैं क्योंकि 70, 140, 200, 280 रुपीस के हैं। मैं अभी जा रहा हूँ बैठने, मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ। और भाई इतने दिनों बाद इस मॉल में ओ मसाजिंग, अभी देखते हैं मज़ा आएगा कि नहीं। घूम रहे भाई एकदम तेज बोलो। हेलो करते हैं यार, हम लोग कुछ भी करते हैं भाई। फाइनली मज़ा आया मसाज में? हाँ भाई एकदम नया भाई, मज़ा आ गया सीरियसली मसाज में, इतना रिलैक्सिंग था यार। चेयर कितने की आती है? 3 लाख बता रहे थे भाई वो। ले लो ना भाई, ना तुम ही लोगे। ठीक था यार, अगली बार 140 अलग कर लेंगे, उसमें ज़्यादा देर होगा उसमें। वैसे तो मुझे लग रहा था इसमें भी ठीक ठाक टाइम हुआ, इसमें पैरों की स्ट्रेचिंग थी ना उस वाले 140 वाले में। चल रहे हैं योनेक्स क्योंकि भाई यहाँ तो बात बनी नहीं एसिक्स में, बट मसाज हो गया, मुझे लग रहा है हम लोग मसाज करने ही आए थे बस। सो फाइनली इधर योनेक्स के शोरूम पे आए थे, BBD अकेडमी में है जो कि, तो जो मुझे शूज़ चाहिए 65 सीरीज़ वो इनके पास साइज़ नहीं है, सिर्फ 8 नंबर है और मुझे आता है 9 नंबर। तो लेट्स सी, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं समिट। शूज़ का देखता हूँ, ऑनलाइन ही मंगाऊंगा यार, बट शूज़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार थर्सडे में। क्या हुआ? उधर से चल लेते भाई, मैं कह रहा हूँ उधर से समिट पास कहाँ पड़ेगा, इधर से फ्लाईओवर चढ़ जाएंगे ना। कुछ पता है रास्ते तुम्हें? हामी को बता रस्ते, गजब बेइज्जती है। सिंह वापसी में तुम कार चलाओगे? भाई को देखो एकदम चिल मार रहा है बीच सड़क में।
यार सिंह हेजलनट चलना है ना, मिल जाएंगे सारे, वॉइड है, ये हाइप है। उस दिन हम लोग गए थे बूम बॉक्स अनप्लग्ड, ऊपर माय बार, पता नहीं आगे शूट करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे शूट अच्छा नहीं लगता ऐसी जगह पे, है ना। कुलदीप और उसकी दीदी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं लाइट मोड चेक। तो भैया फाइनली समिट के बाद अब हम लोग आ गए वेव मॉल। कुलदीप और उसकी दीदी ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है। दीदी को यहाँ सैमसंग में कोई फ़ोन देखना था। आज मुझे लग रहा है मैं सारे मॉल घूम लूँगा क्या, बड़े दिनों बाद वेव मॉल आए। ये क्या है? मुझे बस ये लाइन का नहीं समझ में आता सीन, बाकी सब तो अब टैब है ही। फाइनली कुलदीप भी करा रहा है, बट ये दूसरा मॉल है वेव मॉल। आई आज घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। दो लोग और नए आ गए हैं, ऐड हो गए हैं, ये दिव्यांक और ये भाई। हर बंदा कर रहा है भाई, हम लोगों ने क्या जोश दिला दिया आज। 1200 रुपए का कार्ड है, उसमें 20 मसाज है, वो हम लोग चाहे तो बनवा सकते हैं। इतना खुश क्यों तुम्हें देख करके भाई? अरे बढ़िया, ये अवरल की तरह है। अवरल जब ऐसे वेटर बन के जाते थे ऑर्डर देने के लिए। फाइनली रोल आ चुका है। अबे ब्लर हो गया जैसे, कौन सा चाप है इसमें भैया? मुझे लगा चाप नहीं है इसमें। फाइनली घर पहुंचने वाला हूं मैं, और इन लोग को सबको ड्रॉप कर दिया है। वो लोग अपना अलग अलग बाइक से आए थे, वो लोग चले गए हैं। अब घर पहुंचने वाला हूँ, शूज तो हो नहीं पाए, कल दोबारा एडिटिंग पे बैठना है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को ऐसे लाइफस्टाइल व्लॉग पसंद है प्लीज बताइएगा, मैं और बनाऊंगा। बहुत थक गया यार, मिलते हैं कल।